4.3.3 जरूरी है। पर जी, थ्री थ्री पॉइंट थ्री बिल्कुल। जी सर, वो इशू रिजॉल्व हो गया आपका क्या? बनी हुई, नो नो सर, रिजॉल्व नहीं हो अच्छा गया। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, सर ये इशू आ रहा है। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, स्क्रीन शेयर करें, जी वहाँ पे शेयर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे शेयर स्क्रीन। जी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा आपके पास, सर, लेकिन अभी तक स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। सर अब ठीक है? नहीं, स्क्रीन नहीं शो हो रही आपको। स्क्रीन को अब शेयर करें ना, नीचे होगा शेयर स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे ना आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, फिर आईफोन तो आईपैड आएगा, फिर नीचे जो आपके ब्राउजर ओपन है वो शो हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर क्लिक करें और शेयर का बटन प्रेस करें, सरप्राइज किया। लेकिन नहीं शेयर हो रही आपकी स्क्रीन। सर अब शो हो नहीं, रहा है? मुझे नहीं शो हो रहा। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आप में से किसी को स्क्रीन शो हो रही है इनकी? यस और नो? नो, नहीं शो हो रही। आप आई थिंक लैपटॉप पे। हाँ अभी ठीक है, अभी शेयर हो रही है, ठीक सर शो हो है, रहा है? शो हो रहा है, आर ओपन कीजिएगा। जी सर, आर स्टूडियो पे क्लिक करें, आर यस, स्टूडियो सर यहाँ ये से ये प्रॉब्लम आ सिलेक्ट रहा है करें, ये नीचे सिलेक्ट करें, ये नहीं सर, नहीं ये यहाँ वाला। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा है चूज आ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर, ये नीचे वर्जन, हाँ ये नीचे वर्जन है ना, इसका नेम, इस पर क्लिक करें, ये नीचे सर लिखा हुआ ये है ना, ऑलरेडी नहीं की नहीं यहाँ पे नहीं, ये नीचे लिखा हुआ है 64 बिट की, इस पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करें, नहीं इस ये पर वाला क्लिक, सर। नहीं, ये जहाँ पे आप पहले थे वहाँ पे ठीक है, ये चूज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर, यहाँ पे ये ब्लू टिक हुई है आपकी, जी सर, चूज अ इसके, स्पेसिफिक हाँ वर्जन ऑफ आर। इसके नीचे देखें एक लाइन लिखी हुई है ये वाली, इस पर जी क्लिक करें, हाँ अब ओके करें। ठीक है सर, एक थैंक यू मिनट, सो एक मिनट मच ठहरें, दो हाँ ठीक हो गया, ओके ओके सर, ये क्लिक ठीक करूं? है, इसको क्लिक कर लें या इसको कैंसिल कर दें, आपको अब फाइल इंपोर्ट कर लें, इसको क्लोज कर सर देना, ये फाइल अभी इंपोर्ट नहीं है ना, बस इसको डिलीट कर देना, इस फाइल को स्क्रीन नंबर 1 पे आए ना टॉप पे, जहाँ पर लिखा हुआ है फाइकस, ये फाइकस को क्रॉस कर दें, ओके, अब जी सर फाइल को अब इम्पोर्ट ठीक कर, है। हाँ अब फाइल को जी इम्पोर्ट सर करें, अब ठीक समझ आ रही है बाकी तमाम है, चीजों की। चलें ठीक है। थैंक यू सर। डॉक्टर नसीर सर, मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू दे दूंगा आपकी क्लास में, बाकी अगर आप उसको रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आप इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। सर जिनके पास 4.2 है वो भी काइंडली अपडेट कर लें, अगर आपने ये मिस कोमल, अगर आपने 3 को इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन अभी भी आपके पास ये 2 शो हो रहा है, फिर मुझे बताएं, मैं इसको अपडेट करवा देता हूँ, लेकिन अगर आपने इसको अपडेट नहीं किया हुआ फिर ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, काइंडली बताइएगा। मिस कोमल उनका मैसेज आया, सर आई हैव 4, ओके आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा ना लोकल, मैंने लो किया, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
आपके पास टीशू, आप आए स्क्रीन नंबर 1 पे, तो आप पे देखा टूल लिखा हुआ है आहर, इससे आगे देखें प्लीज, हेल्प से पीछे जैसे इस पर क्लिक करें, लास्ट ऑप्शन पे आ जाएं, ग्लोबल टूल पे क्लिक करें, टूल पे या आप हेल्प पे चलेंगे, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ग्लोबल ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना आर सेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, ऊपर ऊपर फर्स्ट वाला, फर्स्ट जहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, यस, इसके आगे चेंज लिखा हुआ है, चेंज का बटन, इस पर क्लिक करें। आपने 3 जो है ना वो इंस्टॉल नहीं किया है, आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, आपने इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपने 4.3.3 को सिलेक्ट करना है, यदि आपके पास 3.2 ही इंस्टॉल है, 3 आपके पास इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करें और दोबारा यहाँ पे आके आपने इसको चेंज कर लेना है, अपडेट कर लेना। अभी आप इस पे 2 पे काम कर सकते हैं, अभी 2 पे ही आप वर्क करें, क्लास के बाद आप इसको जो है इंस्टॉल कर दीजिए। ओके सर, ठीक है। अच्छा, कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कोरिलेशन एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ था, और कोरिलेशन एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो दो टूल्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, बहुत से लोग इनको यूज़ करते हैं, वो टूल यूज़ करेंगे। इसके अलावा बेशुमार टूल्स हैं जिनके थ्रू आप जो हैं वो कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड कर सकते हैं, और अट्रैक्टिव कोरिलेशन एनालिसिस भी आप ड्रा कर सकते हो, लेकिन वो इंशाल्लाह हम जब AI टूल पे आएंगे तो उस वक्त हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो बेसिक पे हैं। हम यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन एनालिसिस। कल हमने बात की थी कि कोरिलेशन एनालिसिस के लिए, यानी जब भी हमें कोई एनालिसिस अलर्ट हो कि आपने ये एनालिसिस परफॉर्म करना है आर के ऊपर या पाइथन के ऊपर, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। अभी मैंने लिखा कोरिलेशन, तो आपके जहन में फौरन जो है वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि इसके लिए कौन सा पैकेज यूज होगा। तो इसके लिए दो पैकेजेस यूज करने हैं हमने, एक का नाम है साइक और दूसरा है कोर प्लॉट, कोर प्लॉट, एक पैकेज का नाम है साइक और दूसरे पैकेज का नाम है कोर प्लॉट। अच्छा, कल हमारे पास थे सर आतिफ साहब, और आतिफ साहब ने ना ये प्लॉट ड्रा किया, साइक प्लॉट, और अपने सुपरवाइजर को दिखाया। पहले इनके सुपरवाइजर कहते हैं आप ऐसा करें, दो पैकेजेस यूज होते हैं, इनमें से किसी एक के साथ जो है ना प्लॉट बना लाएं। तो आतिफ साहब ने कहा जी साइक इसके स्पेलिंग भी थोड़े हैं, छोटा सा पैकेज है, इसको इस्तेमाल करके ना हम प्लॉट बनाते हैं और सर को चेक करवा देते हैं। अब सर ने जब प्लॉट चेक किया साइक का, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आप ना कोर प्लॉट को यूज़ करें, साइक को छोड़। अब इन्होंने कोर साइक को यूज़ कर लिया, सीख लिया। अब इनके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आप कोर प्लॉट को इग्नोर कर दें, इसको छोड़ें, ये सही नहीं बना, आप आ जाएं कोर प्लॉट पर बना के देखें और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमने यूज़ करना। अब ये कोर प्लॉट पर आ जाते हैं, तो पहला काम है हमें चेक करना है कि आ ये कोर प्लॉट पैकेज हमारे पास है या नहीं। आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 4 पे, स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे आपने आके सर्च करना है कोर प्लॉट। ये देखिए मेरे पास शो हो रहा है कोर प्लॉट, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें आपके पास ये है कोर प्लॉट, यस और नो। अगर आपने ये कल इंस्टॉल किया है तो आपके पास ये ऑलरेडी होगा कोर प्लॉट, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो फिर आपके पास नहीं है, तो यस और नो, नो। ओके, तो अगर आपके पास कोई पैकेज नहीं है तो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना। हमने आ जाना है इंस्टॉल बटन पे, यहाँ पे लिखना है हमने कोर प्लॉट, कोर प्लॉट, ये देखिए ये वाला COR कोर प्लॉट, इसको सेलेक्ट किया और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया। ये मुझे कह रहा है जी आप इसको रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं इसको यस कह देता हूँ।
मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे कह रहा है इसको दफ़ा पहले रीस्टार्ट करो दोबारा इसको इंस्टॉल करने के लिए। आपने इस पैकेज को क्लिक इंस्टॉल पे आना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है कोर प्लाट और इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर होगा। ये रेड डॉट शो कर रहा है कि आपका आर जो है ये इन प्रोसेस है, ये वर्क कर रहा है, कोई इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपका आर जो है हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब तक वो रेड डॉट अपीयर है आपने वेट करना है, कोई बटन कोई आपने कहीं भी कोड रन नहीं करना, जस्ट उसका आपने वेट करना है। मेरे पास ये लाइन शो कर रहा है कि पैकेज कोर प्लाट सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैकेज जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अब हमने इसको लाइब्रेरी करना है, ठीक है। यानी देखें जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट का आपको पता चल गया कौन सी मशीन यूज़ होगी, फिर आपने अगला काम क्या करना है, उस मशीन पर काम करने से पहले उस मशीन को आपने टर्न ऑन करना। टर्न ऑन किए बगैर आप उस मशीन के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। तो इसको टर्न ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाद आप यहाँ पर टाइप करें कोर प्लॉट, कोर प्लॉट, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा ठीक से, क्योंकि कोर प्लॉट के नाम से और भी बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, COR प्लॉट भी है, ठीक है। आपने यूज़ करना है COR वाला, और इसको रन करें। ये देखें ये कह रहा है कोर प्लॉट 0.92 लोडेड, यानी इसका मतलब है कि ये एक्टिवेट हो चुका है। मैं अगेन अगर इसको लाइब्रेरी करूं तो अब ये लाइब्रेरी शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब ये पैकेज हमारे पास है एक्टिवेट हो चुका है। अब आते हैं हम स्क्रिप्ट की तरफ, कोड की तरफ, प्रोसीजर की तरफ। जिस तरह हम बायोलॉजी की लैब में ना प्रोसीजर लिखते हैं ना, कि पहले हमें मशीन का पता चल गया, फिर हम स्टेप देखते हैं प्रोसीजर के कौन कौन से, या प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, कि पहले स्टेप ये परफॉर्म करना है, फिर ये परफॉर्म करना है, फिर ये परफॉर्म करना है। अब प्रोसीजर के स्टेप्स हैं, यानी जो स्क्रिप्ट है हमारे पास ना, स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर टाइप करना है कोर, ये देखें कोर जो है ये स्टैक का फंक्शन है बेसिक कोर, इस पर क्लिक करें कोर पे। कोर पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्रैकेट ओपन होगी जहाँ पे आपने जस्ट फाइल का नाम लिखना है। देखें कोरिलेशन फाइंड करना कितना आसान काम है, सिर्फ दो लफ्ज आपने लिखे COR और फाइकस, और इसको रन कर दें। जैसे इसको हमने रन किया ना, इसने हमें एरर शो कर दिया, अगेन वही कल वाला एरर। कोई पार्टिसिपेंट बताएगा कि ये क्या कह रहा है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक क्यों कह रहा है? कोई पार्टिसिपेंट बताएगा क्यों कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक? चले मैं इसको अगेन रिपीट कर लेता हूँ। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ये एक्स शो कर रहा है कॉलम को, जितने भी कॉलम है ना हमारी फाइल में, ये वाले जितने भी कॉलम्स हैं या ये वेरिएबल्स हैं, ये कह रहे हैं सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास सारे कॉलम न्यूमेरिक हैं। आप कर्सर को लेके आए जो है ना वो पहले कॉलम के पास, जैसे हम उसके पास लेके आएंगे तो ये कह रहा है कि कॉलम 1 न्यूमेरिक, कॉलम 2 ये भी न्यूमेरिक है, कॉलम 3 ये भी न्यूमेरिक है, कॉलम 4 ये भी न्यूमेरिक है, लेकिन कॉलम 5th पे जब आप आएंगे तो ये कह रहा है जी करेक्टर। कॉलम 5th कौन सा है? करेक्टर है। इसका मतलब है कि हमने कॉलम 5th को यहाँ से माइनस करना है। इसके अब दो तरीके हैं, या तो आप एक्सेल की फाइल पे जाएं, वहाँ से उसको माइनस करें, डिलीट करें और दोबारा फाइल को इंपोर्ट करें और फिर एनालिसिस करें, तो ये एक लेंथी प्रोसेस होगा। तो उसका शॉर्ट सोल्यूशन क्या है, और आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे ही डाटा के साथ खेल सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कॉलम को माइनस कर देते हैं, तो ये जो साइन है स्क्वेयर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कॉलम वेरिएबल, यानी हम इसके अंदर कॉलम का नेम लिखेंगे जो हम माइनस करना चाह रहे हैं, -5। आप रेंज भी दे सकते हैं 1 to 4, अभी 5 जो है वो माइनस हो गया, ठीक है। आप 1 to 3 भी कर सकते हैं, अगर 3 पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं, दो कॉलम को इग्नोर करना चाह रहे हैं।
अगर ए को इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप 1 to 4 कर दें, लेकिन आप यहाँ पे -5 कर दें तो इसका भी यही मतलब है। और इसको रन करें, ये देखिए हमारे पास जो है ये इसका टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने इसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग मीन इसको एक नया नाम दे देना इस फाइल को। ये कल आप लोगों ने डिटेल से सीखा था कोडिंग क्या है, और अगर किसी पार्टिसिपेंट को कंफ्यूजन है तो मैं गेम क्लियर कर देता हूँ, और अगर आप कल वाली रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोडिंग क्या है। यहाँ पे मैं माइनस, लेस देन माइनस, इसका मतलब होता है इक्वल। लेस देन माइनस ये वोकेबलरी का वर्ड है, इसका मतलब है इक्वल, बराबर। यानी इस पूरे कोड को हम बराबर कर रहे हैं, मैं इसको बराबर कर देता हूँ वाई के, ठीक है, और इसको रन करता हूँ। ये देखिए ठीक है, कोड रन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने कोडिंग कर ली है, यानी इस पूरे स्क्रिप्ट को मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया है वाई, खुफिया नाम इसको दे दिया वाई। अब अगर आपने ये नहीं देखा हुआ, ये देखें, अब ये आपको नहीं पता कि वाई में क्या चीज़ सेव है। अगर ये मैं सारा डिलीट कर दूं तो आपको नहीं पता कि ये वाई में क्या सेव है, या कोई और बंदा अगर आपके सामने पीसी पे आके यहाँ पे बैठता है, अब उसको नहीं पता कि वाई के पीछे बैकअप पे कौन सा डाटा है। सही है, तो ये होता है कोडिंग करना, कोड क्रिएट करना, ठीक है। अब हमने इसे पूरे स्क्रिप्ट को एक नाम दे दिया जी वाई। अब हमारे पास जो डाटा है वो वाई के नेम से सेव हो गया, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर हम कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करेंगे। कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करने के लिए हम एक पैकेज यूज़ करेंगे जिसका नाम है कोर प्लॉट। कोर, ये देखें, कोर प्लॉट पैकेज का नाम भी यही है, फंक्शन का नाम भी यही है। इसका अगर आप फार्मूला देखें तो बहुत लेंथी है, ये देखिए ये कितना लेंथी है इसका फार्मूला। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑफसेट हर चीज़ है, इसका फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंपल चीज़ें सीख रहे हैं। बाकी चीज़ें जैसे हमें जो है ना वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, खुद इंशाल्लाह हम इसको ऑटोमेटिकली ही परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन हमें जो बेसिक चीज़ है वो सीखना ज़रूरी है। कोर प्लॉट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैंने फाइल की जगह पे वाई लिखा, क्योंकि अब हमारे पास ये सारा कोड वाई के नाम से सेव हो गया। हमारे पास ये जो फाइल सेव हुई है फाइकस वाली, यह वाई के नाम से सेव हो गई। वाई ये हमारी फाइल है। अब हम यहाँ पे मेथड बताएंगे कि मेथड हम कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कौन से मेथड का हम कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं। तो मेथड में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल, यानी मेरे पास जो प्लॉट बने उसमें सर्कल्स हों, मैं उसकी हेडिंग दे देता हूँ सर्कल। ठीक है, और इसको रन करते हैं। ये देखिए मेरे पास सर्कल प्लॉट क्रिएट हो गया, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब आतिफ साहब ने ये अपने सुपरवाइजर को चेक करवाया, इनके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है सर्कल, आप ऐसा करें कि अपना कलर की बेस पे प्लॉट बना के लाएं, सर्कल को रहने दें, कलर की बेस पे बना के लाएं। यहाँ पे ये हेडिंग देते हैं कलर प्लॉट, इसको कॉपी करते हैं सारे स्क्रिप्ट को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे साइकिल सर्कल को रिप्लेस कर देते हैं कलर के साथ, और इसको रन करते हैं। सॉरी स्पेलिंग SO, ठीक है, ये SO कलर, और इसको रन कर दो। तो ये हमारे पास कलर प्लॉट जो है ये क्रिएट हो गया। कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, आपके पास कलर प्लॉट क्रिएट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे ने एक मैंने जब ये टाइप किया COLOR, तो उसने मुझे एक सजेशन दे दी नीचे, ये रेड एरर, मैंने एरर भी दे दिया साथ, ये कह रहा है कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये टाइप्स के जो है ना प्लॉट अवेलेबल हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर ये सर्कल और स्क्वेयर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, मैं इसको नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, अब हेडिंग देता हूँ इसको। देखें बाउस का गलती से भी हमें वो कुछ ऐसे मैसेज दे जाता है कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मैं अब इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, पेस्ट, और यहाँ पे कलर को रिप्लेस कर देते हैं स्केयर के साथ। कॉपी, पेस्ट,
स्क्वायर और इसको रन करते हैं। ये देखिए मेरे पास जो है वो स्केयर प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अगेन अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं जी एलिप्सिस का प्लॉट बना के लाएं। एलिप्स कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस करें, अरे यहाँ पर टाइप करें एलिप्स, इस कोड को कॉपी करें, कंप्लीट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पे आप टाइप कर दें एलिप्स। ये टाइप करने के बाद सॉरी, अच्छा यहाँ पे एलिप्सिस जब आप यूज़ करेंगे तो इसको रन करें तो आपके पास एलिप्स वाला प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। कॉपी करें, इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा उसके बाद नंबर कॉपी पेस्ट, और इस कोड को अगेन कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें और रिप्लेस करें इसको विद नंबर। अगेन अब देखिए आप प्लॉट में आपके जो वैल्यूज हैं टेबल की वो शो हो रही हैं। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा होप के बाकी जो प्लॉट आप ये कलर शेड, ये शेड वाला मैं बना लेता हूँ, पाई वाला भी है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेड है, मैं इसको यहीं पे रिप्लेस कर रहा हूँ नंबर के साथ, पेस्ट और इसको रन किया। ये देखें शेड वाला क्रिएट हो गया। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं पाई तो इसको पाई को कॉपी करें, कॉपी या आप इसको रिप्लेस कर दें पाई के साथ ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे पाई प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टास्क, आतिफ साहब ने ये सारे प्लॉट अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाए। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसका ना अपर हाफ शो करें, जस्ट ये कंप्लीट शो हो रहा है ना, इसका सिर्फ एक हाफ शो करें। जिस तरह वो कोरिलेशन का अक्सर प्लॉट आपने देखा होगा रिसर्च पेपर में या प्रेजेंटेशन में, जस्ट उसका अपर या लोअर हाफ शो होता है, कंप्लीट कोरिलेशन का प्लॉट नहीं शो होता। तो अपर हाफ के लिए आपने यहाँ पे कामा लगाना है, अगेन इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे आपने टाइप करना है अपर और इसको रन करना है। जैसे आप इसको रन करेंगे आपके पास अपर हाफ शो हो जाएगा। अब अगर आप लोअर हाफ शो करना चाह रहे हैं, इस पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करें और यहाँ पे इसको लिखें, यहाँ पे आप लोअर और इसको रन कर दें। ये देखिए आपके पास लोअर हाफ जो है ये शो हो रहा है। ओके अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना वो अपर और लोअर हाफ का प्लॉट क्रिएट हो गया है। अब ये आपने सारे प्लॉट जो है ना ये क्रिएट करने, मैं यहाँ पे पाई का भी अपर और लोअर क्रिएट कर देता हूँ, अपर हाफ और लोअर हाफ, ये अपर हाफ क्रिएट हो गया। इसी तरह आप लोअर हाफ भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा अब आपकी जो असाइनमेंट है या आपका टास्क है वो ये है कि आज से आपने ये जो एनालिसिस की है ना हमने, ये आपने अपने डाटा के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दें। आपके पास जो ओरिजिनल डाटा सेट है ना आपका पड़ा हुआ, कोई भी डाटा पड़ा हुआ है जस्ट प्रैक्टिस के लिए,
उस पे कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करके देखें, ठीक है, तो देखें क्या क्या एरर्स का सामना करना पड़ रहा है आपको, फिर उस एरर्स की सजेशंस के मुताबिक अपने डाटे में चेंजिंग करते जाएं और देखें आपका जो है वो डाटा एनालिसिस परफॉर्म हो जाएगा। ओके जी मैडम, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, RQC मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ आपको। ओके पहले आर ओपन कीजिएगा, आर स्टूडियो ओपन कीजिएगा, मैडम काइंडली आर ओपन कीजिएगा। ओके चलें ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कि काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई, माइक ओपन कर लीजिएगा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। ये मिस आयशा का क्वेश्चन है। ओके नहीं आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। आपने इसी तरह जो है ना सारे पैरामीटर्स लिखने हैं, बेशक वो 4 से ज़्यादा हैं, कोई इशू नहीं है उसका। आपने जस्ट देखना है कि आपके पास कोई करेक्टर वेरिएबल तो नहीं है, अगर करेक्टर है तो आपने उसका नंबर जो है ना वहाँ से माइनस कर देना, अगर 7 नंबर पे है या 1 नंबर पे है, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमने एक्सेल की फाइल में ना पहले नंबर पे स्पीशीज़ के नेम लिखे होते हैं या ट्रीटमेंट्स के नाम लिखे होते हैं, तो वो हैं तो वहाँ से उसको आप -1 कर दें, तो वहाँ से -1 करेंगे तो आपके पास जो है फाइल के ठीक हो जाएगी। और अगर आपके पास वहाँ पे जो है 5 नंबर पे है, 8 नंबर पे है, तो वहाँ से आप 8 नंबर से फाइल को रिमूव करेंगे। ओके अच्छा यहाँ पे आपने इसको रन कीजिएगा कोड को, लाइन नंबर 2 को रन करें। आपके पास बायोसी मैनेजर नहीं है ना, पहले लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 1 को लाइब्रेरी करें। ठीक है अब लाइन नंबर 2 को रन करें। लाइन नंबर 3 पे लिखें बायो स्मॉल लेटर में, यहाँ से सी, एक मिनट, जहाँ से सेलेक्ट करें बायो सी मैनेजर, ठीक है। हाँ आगे इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करिए, नीचे इंस्टॉल आया हुआ है, इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब आपको गलती का आई थिंक आइडिया हो गया होगा, आपने वहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डबल कॉलन है,
अब ब्रैकेट में लिखें RQC। अच्छा बाकी लोग यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो काइंडली, ये वाला पैकेज आप लोगों से रिलेटेड नहीं है, जस्ट ये मैडम ये पैकेज इंस्टॉल करना चाह रही थी, ये इनका एनालिसिस से रिलेटेड है, तो आप लोग यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ ना हो कि ये कौन सा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसको रन करें। बाकी लोग जो हैं वो अपने किसी भी डाटा के ऊपर कोरिलेशन के तमाम प्लाट्स जो है ना, हमने साइक को भी यूज़ करना है अपने और कोर प्लाट को भी यूज़ करना है। ओके मैडम, आपके अब आपके पास ये वाला जो है ना, अब इसको ए ए लिखे नीचे, ये लाइन नंबर स्क्रीन नंबर 2 में जहाँ पे कह रहे हैं अपडेट ऑल सम नॉन, ए लिखें और रन का बटन दबाएं। ओके अब आपके पास ये जो है ना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर ये अगेन आपको कहे इसी तरह तो फिर आपने अगेन ए ही टाइप करना है। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन का है नहीं? कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जस्ट फाइल का नाम लिखना है और उसको रन कर दें, फिर वो आपको एरर देगा कि ये वाला कॉलम माइनस कर लें, वो वाला कॉलम आप माइनस करें, तो आपके पास प्लाट जो है वो ड्रा हो जाएगा। ओके, आर को मैं अपडेट करने के लिए दोबारा बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने आर स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है और आर का लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, और आपके पास जो अभी चल रहा है 4.3.2, और आप चाह रहे हैं कि 3 को इंस्टॉल करें, तो पहला स्टेप आपने इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। और अगर इंस्टॉलेशन के बाद भी आपके पास अगेन 4.3.2 ही शो हो रहा है, तो आपने स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर आना है, यहाँ पे एक हेडिंग है टूल्स, एक बटन है टूल, इस पर क्लिक करना है। इसका लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है जी ये आर वर्जन, यहाँ पे हमने वर्जन चेंज करना है, ठीक है चेंज। अब देखिए मेरे पास ये 3 शो हो रहे हैं, 4.3.1, 4.3.2 एंड 4.3.3, तो मैं यहाँ पे 3 यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने 3 सेलेक्ट करना है, ओके करना है। अब ये मुझे कह रहा है जी आपको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है मैं इसको ओके करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 4.3.3 शो हो जाएगा। अगर ना शो हो, आप एक दफ़ा आर को क्लोज़ करें और अगेन उसको ओपन करें, तो आपके पास ये वाला प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। जी हमें सब क्लियर हो गया। ओके अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं जी डाटा बहुत ज़्यादा है, तो कोई इशू नहीं है, आपके पास 100 कॉलम भी हों फिर भी ये आपको कोरिलेशन एनालिसिस निकाल के देगा। आपने जस्ट यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है, ये छोटा सा स्क्रिप्ट है, फाइल का नाम और उसके बाद फाइल का नाम लिखना है और इसको रन कर देना। नहीं हुआ इंस्टॉल, अगेन स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये कह रहे हैं आपके पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, ठीक है आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, जहाँ पर लिखें RQC। ये देखें वो कह रहे हैं आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है,
तो अगर आपने दोबारा इंस्टॉल करना है तो आपको लेटेस्ट वर्जन जो है वो चाहिए, ठीक है, या आपके पास लाइब्रेरी हो चुके हैं। ओके, ये लाइब्रेरी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे छोटे पैकेजेस होते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं डिपेंडेंसीज, जिसको इसने इंपोर्ट करना। ओके, चलिए अभी हमारे पास 15 मिनट बच गए हैं आज की क्लास का, हमारा टॉपिक यही था। कल इंशाल्लाह हम एडिटिंग की तरफ चलेंगे। अभी हमने दो चीज़ें सीखी हैं, स्क्रिप्ट को रीड करना और राइट करना। होप कि आप लोगों ने 20% तो ज़रूर सीख लिया होगा, यानी 20% आपको रीड करना और राइट करना आ चुके हैं। अब हमने एडिटिंग की तरफ जाना है, चार चीज़ें सीखनी है हमने पूरे कोर्स में। चार चीज़ें सीखने के बाद आपने कहना है कि सर हमें जस्ट एनालिसिस का नाम बताएं, हम एनालिसिस आपको करके दे देंगे, आपको मज़ीद पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमें एनालिसिस का नाम बताएं कि आज आपने पीसीए करना है, हम आपको पीसीए करके दिखाते हैं। अभी हमें तीसरी चीज़ पे जाना है, एडिटिंग पे। कल इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी वो होगा कोड को एडिट कैसे करना। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दी कि हमने गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बनानी नहीं है, और अगर गाड़ी का कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना है, तो हमने वो पुर्जा खुद नहीं बनाना, वो पुर्जा हमें फैक्ट्री बना के देती है, हमने बस उसको फिट करना है और उसको चलाना सीखना, उसको यूज़ करना सीखना, ठीक है। तो इसी तरह आर में भी जितने भी कोड हैं, स्क्रिप्ट हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमने उस स्क्रिप्ट को लेना है और उसको रन करना सीखना, उसको चलाना सीखना है, उसको रीड करना सीखना है, उसको राइट करना सीखना है, उसको एडिट करना सीख। हाँ, ये वैसे इंपॉर्टेंट है कि इसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अभी जस्ट जिस तरह जिस फॉर्म में भी आपके पास डाटा है ना, आप उसको जिस तरह भी है, ठीक है, मोस्टली आपके पास डाटा सेट इस तरह होना चाहिए, जिस तरह ये फाकेस की फॉर्म है, ये स्पीशीज ये वन पे आ जाए, लास्ट पे चले जाए, कोई इशू नहीं है। जो वेरिएबल्स के नाम है वो ऊपर होने चाहिए, ठीक है, और जो रोज़ नेम है वो इस तरह होने चाहिए, बस मोस्टली इसी तरह होता है हमारे पास डाटा। उसके बाद एक्सेल की फाइल में कोई रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मसलन बाज़ का ऐसा होता है कि लोगों ने जो है ना पहली लाइन पे कोई उसकी मेन टाइटल या हेडिंग दी होती है, तो वो इस तरह नहीं करना, जस्ट इस तरह आपके पास डाटा शो हो, बस कोई एक्स्ट्रा चीज़ के ऊपर आपने नहीं लिखी होनी चाहिए। आप इस तरह फाइल को अरेंज करें और उस पे ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करें, स्पेशली ये जो आज का हमने परफॉर्म किया कोरिलेशन एनालिसिस, ये इसके ऊपर रन करें और देखें आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। चलें, अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन भी पूछते जाएं, और हमारे पास जो है वो टाइम बच गया 10 मिनट, तो आज इंट्रोडक्शन रख लेते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट का। उस दिन कुछ पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो आज इंशाल्लाह हम जो है वो जो पेंडिंग पार्टिसिपेंट हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर अदील अब्बास साहब, आई थिंक इनका इंट्रोडक्शन रहता है अभी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदील अब्बास साहब सर, काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके, सॉरी, हेडफोन नहीं है आपके पास। ओके, डॉक्टर नासिर साहब, ओके सर, कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, खैर खैरियत है सर इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा अपना। जी। मैं बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैंने बीएस माइक्रोबायोलॉजी की है यहाँ से, हजारा यूनिवर्सिटी से। फिर अच्छा मेरा मास्टर्स
वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में, वो नस्ट से, नस्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से, और लास्ट ईयर में PhD करके वापस आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से, माशाल्लाह UNSW जबरदस्त। से। जी तो ऑस्ट्रेलिया से आप वापस आ गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया हूँ अपनी अच्छा कंट्री अच्छा लोग तो वहां से आते ही नहीं में। बस अपनी अपनी प्रायोरिटी भी होती है, और कुछ बिल्कुल फैमिली की भी प्रायोरिटीज इस तरह ठीक है। फैमिली मेरे साथ वहीं पे थी, मेरे बच्चे वाइफ वहीं पे थी, तो हम लोग साथ ही वापस आ गए। जबरदस्त। तो जी जी आजकल क्या कर रहे हैं? मैं लेक्चर हूँ माइक्रोबायोलॉजी में, इधर ही हजारा यूनिवर्सिटी में, हजारा मानसेरा। जी जी मानसर, ठीक है। तो कब से हैं वहाँ पे? अच्छा मैं 2012 से हूँ जी। 12 से हैं, फिर तो आप डॉक्टर सज्जाद साहब को भी जानते होंगे। डॉक्टर सज्जाद साहब कौन से सज्जाद डिपार्टमेंट के? इकबाल बॉटनी में थे। हाँ जी जी बॉटनी में, बिल्कुल। हाँ जी जी वो मेरे सुपरवाइजर हैं। माशाल्लाह। अच्छा, वो कहाँ पे थे आपके सुपरवाइजर? वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, अच्छा, सही है। वो आजकल तो यूएसए अब गया। हाँ, मुझे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आए। वो एक्चुअली वहाँ पे रहे हैं, आई थिंक 12 को ही शायद वो इधर आ गए हैं, 12 13 को ना, यूओजी में। तो अच्छा, सही आपकी सही। यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे पास ट्रेनिंग की है, जुआलॉजी अच्छा डिपार्टमेंट से थे कुछ, बॉटनी से थे बल्कि। अच्छा अच्छा बड़ी खुशी हुई है जान के भी। और आर के बारे में मतलब है कि 2017 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया में PhD स्टार्ट कर रहा था, जी तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दी थी कि आर पे आप कुछ अपनी एक्सपर्टीज बनाएं, लेकिन उस टाइम मुझे एक तो टाइम नहीं मिला था, दूसरा इतने आसानी से कोई सिखाने वाला नहीं था जिस तरह से आप सिखा रहे हैं माशाल्लाह से। काफ़ी सारी बेसिक मैंने काम कोडिंग वगैरह का उस पे पाइथन पे किया अपने PhD के दौरान, जी लेकिन जिस बंदे को टाइपिंग थोड़ी मुश्किल लगती है या वो अच्छा फील नहीं करता टाइपिंग करते हुए, तो ये कोडिंग वगैरह थोड़ी उसे मुश्किल लगती है मेरी जी तरह। जी, तो माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आपका वे ऑफ टीचिंग काफ़ी अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन चूंकि हम लोग जाहिर बात है सारे बैच में सारे इक्वल नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही तो सर। सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जी, अब इसमें तो हमारे पास BS के भी स्टूडेंट हैं, और मैं पहले भी जी मैं जी शायद जिक्र किया है कि मेरे पास ये फर्स्ट बैच आया है जिसमें BS के अच्छा स्टूडेंट हैं। उससे जी पहले जी तकरीबन जी सारे ही PID या पोस्ट डॉक या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं। जी तो जी जी इसमें और मेरे पास एक बैच है, या आई थिंक ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से हैं स्टूडेंट ना BS के, आई अच्छा अच्छा थिंक वही जी जी हैं 8 से 10 स्टूडेंट हैं, जी 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 बाकी जो हैं वो बेहतर हैं। लेकिन फिर बैच में सबको ही फिर साथ लेके चलना पड़ता है, और एग्जैक्टली इसी तरह स्पेशली से। स्टूडेंट जो हैं इनकी ज़्यादा नीड होती है। जी प्रोफेशनल में जी तो हम जो हैं वो करें या ना करें किसी और से करवा लें काम चल जाता है ना, लेकिन स्टूडेंट्स एग्जैक्टली के यही लिए बात, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत अच्छी आपकी मतलब है कि प्रायोरिटी है, और बहुत अच्छा वे ऑफ टीचिंग है जो आप सबको साथ लेके चलते हैं, तो बड़ा इसमें बंदा सीखता भी है, हमें रिपीट हो जाता है और वो पक्को हो जाता है जो बिल्कुल कुछ सर, हमने सीखा होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर इंशाल्लाह आपका, और आपने भी भी जो टाइम निकाला। दोनों, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सीख रहे हैं, तो वो जीनोमिक्स वाला भी इंशाल्लाह मैं इनरोल कराऊंगा, जी जरूर सर, उसमें ठीक भी मेरा मेन इंटरेस्ट उसमें। है सर। एक्चुअली ये बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा तो वो आपको वैसे ही आ जी जाएगा, जी ये रीडिंग अच्छा राइटिंग अच्छा एडिटिंग आ जाएगी ना। उसमें सिर्फ जी कुछ जी कमांड्स ही होंगी, डिफरेंट होंगी जिनको हमने रन करना है। जैसे देखिए हमने GGPLOT 2 सीखा, उसमें आपको बेसिक जी रीड और राइट करना काफ़ी सारा आ गया ना। अब कोरिलेशन जी जी एनालिसिस किया, इसमें कमांड ही डिफरेंट है ना, एग्जैक्टली यही पैकेज और बात। कमांड डिफरेंट होंगे बस, बाकी सारा वही प्रोसीजर है। अच्छा, बाकी क्योंकि मेरी जो PhD थी वो भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का बहुत ज़्यादा डेटा था ना, अच्छा, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर सीक्वेंसिंग थी या पैक बायो सीक्वेंसिंग थी, उसका डेटा था वायरसेस का, हेपेटाइटिस सी वायरस का था, डेंगी वायरस का था, कोविड का था, तो वो मतलब है कि टाइप ऑफ कोरिलेशन है कि वो होस्ट के जीनोम के साथ और वायरस के जीनोम के साथ, ठीक है। तो
वो भी उस तरह के प्लॉट्स, वो चले हम लोग पर्सनली डिस्कस करेंगे किसी जी दिन। जरूर इंशाल्लाह सर। जी, अभी और क्योंकि और पार्टिसिपेंट्स भी हैं तो वो उनके साथ ओके सर, अगर बहुत किसी और शुक्रिया सर, कंट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया, वेरी थैंक यू मच। सर। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम, सर मैंने आर क्रेन गूगल गूगल क्रोम में सर्च किया है, और सर इसमें आया है R 4.3.3 फॉर विंडोज। जी सर जी जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो फिर R 4.3.2 आता है नेक्स्ट। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी जी सर। जी ठीक है, क्लिक करें उसमें। सर ये आ रहा है। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। मेरे पास तो यहाँ पे देखे हैं, ये भैया यही स्टेप है, R 4.3.3 फॉर विंडो, इस पर क्लिक किया R 4.3.3। अब स्क्रीन शेयर कीजिएगा, अगेन आप स्क्रीन अगेन शेयर कीजिएगा। ओके सर। आप इस पर क्लिक करें, आपके पास जो टाइम पैसे तो नहीं, आप यहाँ पे कितने टाइम पे शो करा पड़ेगा, डेट वगैरह करके लैपटॉप पे भी देख लीजिए। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैंने कहा कि लैपटॉप पे आप डेट चेक कीजिएगा, क्या शो कर रहा है आपका लैपटॉप, आज की डेट शो कर रहा है या पुराने कुछ शो कर रहा है 2023 की? सर डेट 2000 है तो 24 की, लेकिन पुरानी है। अपडेट नहीं है? नहीं सर अपडेट ही है। अपडेट है। अच्छा, आप इस पे ना मेन मेन वेबसाइट पे क्लिक करें, कंप्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, मेन वेबसाइट पे इस पे डाउनलोड आर फॉर विंडो इंस्टॉल आर फर्स्ट टाइम। ये 3 आर डाउनलोड R 4.3.3, क्लिक करें। जी सर कर दिए। जी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सर, थैंक यू सर। एमएस साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एमएस साहब काइंडली स्क्रीन शेयर। बाकी पार्टिसिपेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कर क्लास छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक ही था। और अगर आप क्वेश्चन है या जस्ट देखना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं।
सर मेरे क्वेश्चन है, सर आपकी आवाज़ बहुत गूंज रही है, हाँ वो आपने मैंने फोन पे भी ऑन किया था, अभी मैंने ऑफ किया है। अच्छा सर क्वेश्चन ये कि मैंने कल की क्लास मिस कर दी थी, तो आर पहले अन इंस्टॉल करना है फिर न्यू आर इंस्टॉल करना है? नहीं, अन इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं। अच्छा, तो मतलब अगर वो ऑप्शन जो आ रही है इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर उसके लिए उसको कर दें डाउनलोड? हाँ, इंस्टॉल हाँ करके इंस्टॉल डाउनलोड करके करें डाउनलोड उसको। करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। और किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू? ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।